बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बीते रविवार को अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। इस खास मौके पर उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी दोस्त भी यहाँ मौजूद रहे। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि दोनों परिवार और दोनों के गॉड्स के आशीर्वाद से हम इस पल तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही पल में इस पोस्ट पर ट्रोलिंग शुरू हो गई और क्योंकि सोनाक्षी और जाहिर के धर्म अलग अलग हैं, इसलिए लोगों ने अभद्र बातें लिखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर ट्रोलिंग बढ़ती तो बिना देर किए सोनाक्षी ने जाहिर इकबाल ने पोस्ट कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया, यानी अब लोग उनकी तस्वीरों पर कुछ नहीं लिख पाएंगे। आम तौर पर सेलिब्रिटीज ट्रोलिंग से बचने के लिए ऐसा करते हैं। तस्वीरों की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल ने शादी में सफ़ेद आउटफिट पहने थे। सोनाक्षी ने ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी थी तो वहीं इकबाल ने सफ़ेद कुर्ता पहना था। फोटोज़ में कपल के साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों के कैप्शन में सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, 7 साल पहले आज ही के दिन 23 जून 2017 हमने एक दूसरे की आंखों में प्यार को उसकी सबसे पवित्र अवस्था में देखा था और यूं ही थामे रखने का फैसला किया था। आज वही प्यार हम सभी चुनौतियों और विजय तक ले जा रहा है, इस पल तक ले गया है, जहां दोनों परिवार और दोनों के ईश्वरों के आशीर्वाद से अब हम पति पत्नी हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, यहां प्यार, उम्मीद और एक दूसरे के साथ सब कुछ खूबसूरत है, हमेशा हमेशा के लिए। जब शत्रुघ्न से पूछा गया कि वह अपनी बेटी की शादी पर कैसा महसूस कर रहे हैं तो एक्टर ने कहा कि कोई पूछने वाली बात नहीं है, हर पिता इस लम्हे का इंतज़ार करता है कि जब उसकी बेटी चुने गए दूल्हे के पास चली जाती है। मेरी बेटी जाहिर के साथ बहुत खुश नज़र आती है, उनकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रहे।